टीवी के पॉपुलर शो सपने सुहाने लड़कपन के की एक्ट्रेस रूपल त्यागी तो आपको याद ही होंगी, वही जिन्होंने गुंजन का रोल प्ले किया था, चुलबुली बबली और डिंपल स्माइल वाली हीरोइन जिसने अपनी क्यूटनेस से सभी का दिल जीत लिया था। एक वक्त बहुत ज्यादा फेम पाने वाली गुंजन आज कहीं गायब है। सपने सुहाने लड़कपन के खत्म होने के बाद वो कई शोज में दिखी लेकिन वो करियर की बुलंदियों को नहीं छू सकी। लेकिन अब रूपल पहली बार अपनी जिंदगी का वो सच दुनिया के सामने लेकर आई हैं जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप गई है। टीवी में सफल होने के बाद रूपल त्यागी की मेंटल हेल्थ पर काफी असर पड़ा था जिसके चलते वो गलत काम तक करने लगी थी। 16 साल की उम्र में अपने सपनों को पूरा करने के लिए रूपल बेंगलुरु से मुंबई आई थी। एक्टिंग से पहले रूपल ने कोरियोग्राफर्स को असिस्ट किया। रूपल ने फिल्म चुप चुप के और भूल भुलैया जैसी फिल्मों में विद्या बालन, शाहिद कपूर और करीना कपूर जैसे स्टार्स को कोरियोग्राफ किया। 2 साल तक रूपल ने यही काम किया, फिर उन्हें लगा कि वो पर्दे के पीछे नहीं बल्कि आगे काम करना चाहती हैं। यहीं से रूपल का स्ट्रगल शुरू हुआ। उन्होंने पहले फिल्मों में ट्राई किया लेकिन बात नहीं बनी तो टीवी शोज के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया। कई शोज पर काम किए, कुछ तो ऑन ईयर भी नहीं हुए। रूपल ने करीब 11 शोज किए, इनमें से कुछ टेलीकास्ट भी नहीं हुए। फिर सालों बाद रूपल को मिला पहला सक्सेसफुल शो, ये सीरियल था सपने सुहाने लड़कपन के। ये नंबर 1 शो था, इसमें रूपल लीड हीरोइन थी। शो की सक्सेस से रूपल स्टार बन गई थी लेकिन करियर के पीक पर रूपल का हार्ट ब्रेक हुआ। रूपल ने बताया कि अचानक वो जिससे प्यार करती थी उसने धोखा दे दिया। इधर दोनों का ब्रेकअप हुआ, उधर खबरें छपने लगीं, कई गलत अफवाहें सामने आईं। रूपल इससे काफी परेशान हो गईं। इस दुख से रूपल के मन ही मन से फेम को लेकर खुशी हट गई। कई लोगों ने उनके ब्रेकअप की न्यूज का फायदा उठाया, उन्हें बड़े बड़े ऑफर आ रहे थे लेकिन रूपल का मेंटल स्टेटस ठीक नहीं था तो उन्होंने सारे शोज को रिजेक्ट कर दिया। सीरियल के हिट हो जाने के बाद रूपल काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी। रूपल ने बताया कि इस सीरियल की सफलता ने उन्हें खूब पैसा और शोहरत दी लेकिन सफल होने के बाद भी वो खुश नहीं थी, उन्हें काफ़ी खालीपन महसूस हो रहा था। इस खालीपन को दूर करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उन्हें सिगरेट, शराब और पार्टी करने की सलाह दी। फिर रूपल इन्हीं चीज़ों की आदी हो गई लेकिन रूपल को बहुत जल्दी समझ आ गया कि इन सब से उन्हें शांति नहीं मिलने वाली। इसके बाद रूपल ने भगवान शिव पर विश्वास करना शुरू किया। टेंशन के दिनों में रूपल ने मेडिटेशन करना शुरू किया। आज रूपल को सक्सेस फेलियर पैसा आए उससे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। रूपल का कहना है कि वो अब अंदर से खुश हैं। रूपल का पिछला शो साल 2021 में आया था, इसका नाम था रज्जू की बेटियां। रूपल ने कई रियलिटी शोज भी किए लेकिन उन्हें खास सक्सेस नहीं मिली। रूपल ने शक्ति, लाल इश्क, कबूल है, एक नई छोटी सी जिंदगी, दिल मिल गए में भी काम किया। फिलहाल रूपल की इस कहानी को सुनकर आप क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।